दोस्तों BR रैंक के न्यू सीजन के बाद फाइनली CS रैंक का भी न्यू सीजन हमारे गेम के अंदर बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसके अंदर आप में से काफी सारे बंदे रैंक पुश करने का सोच रहे हो। बट उसके लिए आपको पहले से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको अपने रोल के अकॉर्डिंग अपना कॉम्बिनेशन पहले से यूज करना सीखना पड़ेगा, जिससे कि आपको न्यू रैंक सीजन के अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं चार अलग अलग रोल्स के लिए चार बेस्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका रैंक पुशिंग काफी ज्यादा ईजी हो जाएगा। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सो आज का जो हमारा सबसे पहला कॉम्बिनेशन होने वाला है वो होने वाला है हेल्पर्स के लिए, यानी कि अगर आप लोग अपने टीममेट को रिवाइव देते हो या फिर सही टाइम पे कवर देना चाहते हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक्टिव स्लॉट में यूज करना है डिमिट्री की एबिलिटी को, और साथ में अगले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है थीवा की एबिलिटी को। इन दोनों के एबिलिटी को यूज करके आप लोग अपने टीममेट को सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर रिवाइव दे सकते हो, साथ में आप अपना फाइट भी कंटिन्यू कर सकते हो, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, साथ में आपका टीममेट भी रिवाइव हो जाएगा और रिवाइव होने के बाद उसको HP भी मिलेगा। और साथ में अगर आप लोग अगले स्लॉट के अंदर कपिला की एबिलिटी को यूज कर लोगे तो ये आपके टीममेट को रिवाइव होने के बाद 80 HP का एक शील्ड प्रोवाइड करेगी, साथ में उसको 4 सेकंड के लिए 10% मूवमेंट स्पीड बूस्ट भी प्रोवाइड करेगी। मतलब 4 सेकंड के लिए उसका जो मूवमेंट स्पीड है वो भी 10% इंक्रीज हो जाएगा, जो कि अपडेट के बाद 20% हो जाएगा। मतलब कि अगर आप लोग कपिला की एबिलिटी को अपडेट के बाद भी यूज करोगे तो आपको इसका डबल बेनिफिट मिलेगा। और एट द एंड लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपको यूज करना है केली की एबिलिटी को, जिससे कि आपका जो स्प्रिंटिंग स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे कि आप लोग टाइम पे अपने टीममेट को कवर भी दे सकते हो और जल्दी से जाके अपने टीममेट को रिवाइव भी दे सकते हो। So, अगर आप लोग न्यू रैंक सीजन के अंदर एज अ हेल्पर खेलना चाहते हो तो ये वाला कॉम्बिनेशन आपके काफी काम आने वाला है। इससे आपको तो बेनिफिट मिलेगा ही, साथ में आपके पूरे टीममेट को बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि आप लोग मिलकर मैचेस को काफी इजीली निकाल सकते हो। गाइस, एज यू नो IPL इज कमिंग एंड डू यू वांट टू अर्न मनी बाय प्लेइंग गेम्स? सो फ्रॉम JETX टू अंदर बाहर यू कैन स्टार्ट योर अर्निंग जस्ट बाय प्लेइंग गेम्स। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज आवर प्रोमो कोड Player07 फॉर अ बोनस अप टू 34,000 INR एंड 250 फ्री स्पिन्स। हियर यू कैन इंस्टेंटली डिपॉजिट यूजिंग गूगल प्ले, फोन पे, पेटीएम और बिटकॉइन। मोस्ट बेट इंश्योर्स 100% सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल प्लेयर्स। एंड ऑल्सो हियर यू गेट 24/7 कस्टमर सपोर्ट एंड लाइटनिंग फास्ट विड्रॉल। सो नाउ साइन अप विद जस्ट अ फ्यू क्लिक्स एंड एक्सेस टॉप नॉच गेम्स। सो गो एंड क्लिक द लिंक इन द पिन कमेंट टू स्टार्ट योर गेमिंग एडवेंचर नाउ। अब इसके बाद जो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है वो होने वाला है स्नाइपर्स या फिर सपोर्टर के लिए, यानी कि अगर आप लोग स्नाइपिंग करते हो या फिर लॉन्ग रेंज के अंदर से कवर फायर देते हो तो वहां पर आपको कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना चाहिए? तो यहाँ पर आपको एक्टिव स्लॉट में यूज करना है वुकोंग की एबिलिटी को, जिससे कि आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर से भी कवर दे सकते हो और शॉर्ट रेंज के अंदर भी जाकर आप लोग काफी इजीली अपने फाइट्स को निकाल सकते हो। बट इसके बाद आपको अगले स्लॉट के अंदर यूज करना है रफाइल की एबिलिटी को, जिससे कि अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल या फिर स्नाइपर्स को यूज करते हो तो आपके गन के अंदर साइलेंसर लग जाएगा और आप लोग कहीं से भी फायरिंग करोगे तो एनिमी को आपका लोकेशन पता नहीं चलेगा, जिससे कि आप लोग छुप छुप कर एनिमीज को काफी इजीली मार सकते हो। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर चाहो तो आप लोग चेंजेस कर सकते हो, लाइक अगर आप लोग मार्क्समैन राइफल और स्नाइपर्स को यूज नहीं करते हो तो यहाँ पर आप लोग रफाइल की जगह पर मारो को यूज कर लेना, जिससे कि लॉन्ग रेंज के अंदर से आपका जो डैमेज है वो इंक्रीज हो जाएगा। बट इसके बाद आपको अगले स्लॉट के अंदर मोको की एबिलिटी को जरूर से यूज करना है, क्योंकि जब भी आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर से कवर फायर दोगे तो आप लोग वहां पर जिस भी एनिमी को डैमेज दोगे उसका लोकेशन आपको और आपके सभी टीममेट्स को दिखेगा, जिससे कि वो एनिमी जहां कहीं भी जाएगा उसका लोकेशन आपके सभी टीममेट्स को दिखेगा, जिससे कि या तो आप उसको मार दोगे या फिर आपकी टीम के जो रसर्स है वो उनके ऊपर रस करके उनको काफी इजीली मार देंगे। और वहीं लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपको ऐड करना है लियोन की एबिलिटी को, जिससे कि जब भी आप लोग लॉन्ग रेंज के अंदर से कवर फायर दो वहां पर अगर एनिमी भी आपको डैमेज देता है तो वहां पर आपका जो HP है वो ऑटोमेटिकली रिकवर होता रहे और आप अपना जो फाइट है उसको कंटिन्यू रख पाओ। तो लॉन्ग रेंज के अंदर से कवर फायर देने के लिए एज अ सपोर्टर या फिर स्नाइपर ये वाला कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होने वाला है, जिसको आप लोग न्यू रैंक सीजन के अंदर यूज कर सकते हो। अब इसके बाद जो आज का हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन है वो एक नेडर कॉम्बिनेशन है, जिसके अंदर आपको एक्टिव स्लॉट में यूज करना है क्लू की एबिलिटी को, जिससे कि आपको एनिमीज का लोकेशन पता होगा कि एनिमी कहां पर वेट कर रहे हैं, कहां पर होल्ड कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग उनके ऊपर काफी इजीली नेडिंग कर सकते हो। और नेडिंग करना है तो ऑब्वियसली आपको अगले स्लॉट के अंदर अलवारो और थर्ड स्लॉट के अंदर मोको की एबिलिटी को जरूर यूज करना है, जहां पर जो अलवारो है वो आपके नेडिंग के डैमेज को इंक्रीज कर देगा और जो एक्सप्लोजन रेंज है उसको बढ़ा देगा। और वहीं अगर आपके पास इलीट अलवारो की भी एबिलिटी है तो ये आपके एक नेड को कन्वर्ट करके चार में डिवाइड कर देता है, जिससे कि आपका जो एक्सप्लोजन रेंज है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और बाकी मोको के बारे में तो भाई आप सभी को पता है कि जब भी आप लोग नेड से या फिर गन से किसी भी एनिमी को डैमेज दोगे तो डैमेज खाने के बाद वो एनिमी कहां पर मूव कर रहा है, कहां पर बैठा हुआ है, उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा, जिससे कि डैमेज खाने के बाद अगर एनिमी बच भी जाता है तो उसके ऊपर आप लोग जल्दी से रश करके उसको काफी इजीली मार पाओगे। और वही लास्ट वाले स्लॉट के अंदर आपको ऐड करना है ओथो की एबिलिटी को, जिससे कि जैसे आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे, भले नेड से करो या फिर गन से करो, डाउन होते ही उसके आसपास अगर और कोई भी एनिमी होगा तो उसका लोकेशन भी आपको पता चल जाएगा, जिससे कि रश करने से पहले आपको बाकी एनिमीज का भी लोकेशन पता चल जाएगा। साथ ही में ओथो का एक और बेनिफिट है कि अगर आपने नेड या फिर गन से किसी को डाउन किया है और उसके आसपास कोई एनिमी है जो कि उसको रिवाइव देने आ रहा है तो उसको कंप्लीट करने के लिए या फिर उस एनिमी को भी डैमेज देने के लिए आप लोग फ्लैश ब्रीज या फिर नेड फेंक सकते हो, जिससे कि आपका जो डाउन वाला एनिमी है
हैं वो तो क्लियर हो ही जाएगा, साथ में दूसरे एनिमी को भी डैमेज पड़ जाएगा। सो एज अ नेडर अगर आप लोग क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर रैंक पुश करने का सोच रहे हो तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ओके सो अब जो आज का हमारा आखिरी कॉम्बिनेशन होने वाला है वो होने वाला है रसर्स के लिए, जिसके अंदर आपको एक्टिव स्लॉट में यूज करना है ओरियन की एबिलिटी को, साथ में आपको यूज करना है मिगुल की एबिलिटी को, जिससे कि जैसे आप लोग किसी एनिमी को डाउन करोगे तो तुरंत आपको ईपी मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग ओरियन की एबिलिटी को फिर से यूज कर पाओगे। अपडेट से पहले तो भाई आप लोग ओरियन की एबिलिटी को डेफिनेटली यूज कर सकते हो, रसिंग के लिए सबसे बेस्ट एबिलिटी है, लेकिन अपडेट के बाद इसके अंदर काफी बड़ा चेंज आने वाला है, जिसके बाद शायद ओरियन उतना बढ़िया ना रहे, बट जब तक चेंजेस नहीं आते तब तक भाई आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। और साथ में अगर आप लोग हयातो और दशा के एबिलिटी को यूज कर लोगे तो भाई ये वाला कॉम्बिनेशन रसिंग के लिए एकदम खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिससे कि आप लोग शॉर्ट रेंज के अंदर घुसकर तबाही मचा सकते हो और 1v2, 1v3 या फिर 1v4 क्लचेस आपके लिए नॉर्मल बात बन जाएगी। तो जब तक भाई ओरियन के अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे भाई, तब तक आप लोग रसिंग करने के लिए इस वाले कॉम्बिनेशन को डेफिनेटली यूज कर सकते हो। आज भी भाई 1v2, 1v3 या फिर 1v4 क्लचेस के लिए मेरे ख्याल से ओरियन कैरेक्टर सबसे सेफ और सबसे बेस्ट कैरेक्टर है। सो ये थे गाइस आज के हमारे 4 बेस्ट कॉम्बिनेशंस फॉर क्लैश स्क्वाड रैंक, जिसको आप लोग अभी भी यूज कर सकते हो या फिर क्लैश स्क्वाड के न्यू रैंक सीजन के अंदर भी यूज कर सकते हो, बेनिफिट आपको अभी भी मिलेगा और तब भी मिलेगा। कि ये वीडियो अभी तक आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे और भी कमाल के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अब अगर आपको क्लैश स्क्वाड के बेस्ट हिडन प्लेसेस के बारे में जानना है तो आप लोग लेफ्ट वाले वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो, और वहीं अगर आपको बैटल रॉयल में रैंक पुश करने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना है तो आप लोग राइट वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो।